सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, आज हम खेल रहे हमारे रुनित भाई के साथ, आप देख सकते हो रोनियाड गेमिंग। अगर आपको इनका चैनल देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप देख सकते हो हमने बना लिया है एक टॉयलेट, जिस पे हम अगर पॉटी करेंगे तो हमको फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे पॉटी करने वाला हूँ और मेरा दोस्त फ्लश करेगा और उसको वहाँ पे फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। और पॉटी करता हूँ, उसको करो फ्लश, ये लो करो। ओ ये फर्टिलाइज़र ऐसे भाई बनाया जाता है, देखो कंपोजिट बिन की ज़रूरत नहीं है, जितना पॉटी करना है करो। ये देखो, और करूँ और ये ले, चल देखो मेरे और ये ले। अरे नहीं, मेरा ख़त्म हो गया, आउट ऑफ पॉटी हो गया मैं। अभी तू कर अपन फ्लैश करेगा, अभी फ्लश नहीं, करेगा। मेरे मेरा पेट खाली, पेट खाली है, तू भी पॉटी नहीं कर सकता। ये ले फर्टिलाइजर, दे 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 दे। देखो हमारे हमारे पॉटी से इंस्टेंट फर्टिलाइजर कितना बना, 8 9 9 बना इंस्टेंट फर्टिलाइजर। गाइज ये है ट्रिक, सिर्फ आप अगर आपका पेट खाली हो गया तो फिर ज़्यादा नहीं बन पाता। ये देखो हमने ऐसे ही कर करके कंपोजिट बिन में फर्टिलाइजर भर के रखा, ये देख रहे हो भाई। दिन में 2-3 बार पॉटी करो और भाई भर भर के फर्टिलाइज़र, ठीक है। चलो तो आज क्या करने वाले मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि पता ही होगा कि हमारे पास है 2 मेल ब्लड व्यूरिन, ठीक है। ये देख रहे हो, ये भी मेल ही हमको मिला था, जो अराउंड कितना 119 लेवल का हो चुका है, और ये 99 लेवल का भी, ये भी मेल ही है। तो अभी हमको जो है ये 100 का हो गया शायद, यस 100 लेवल का हो गया ये। तो गाइज, जैसे कि आपको पता ही है कि हमको इनका अंडा निकालने के लिए एक फीमेल विवरिन की भी ज़रूरत है। तो जहाँ पे हमने इन 2 विवरिन को पकड़ा था, वहाँ पे हमने काफ़ी एरिया सर्च किया, हमको वहाँ पे कोई फीमेल विवरिन नहीं मिली। तो अभी हमको एक बहुत ही बड़ा रिस्क वाला काम करना पड़ेगा, हमको जाके इन ब्लड विवरिन का अंडा चुराना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि ब्लड विवरिन से पंगा ले तो क्या होता है, आपने वो वीडियो देखी होगी जहाँ पे मेरे विवरिन को ब्लड विवरिन ने कैसे मारा है, और रुनित के विवरिन को भी ब्लड विवरिन ने कैसे मारा है। तो अभी हमने, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, मेरा पेट्रोडॉन मर गया था, तो मैंने और मेरे दोस्त ने 2 हाई लेवल के पेट्रोडॉन से यहाँ पे टेम कर दिए, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इनके स्टैट्स भी हो चुके हैं। तो अभी हम जो है वो पेट्रोडॉन लेके जाने वाले हैं और ब्लड विवरिन का अंडा चुराने वाले हैं। तो चले, लेट्स गो। ओ, और ये वेदर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो चुका है, ये हीट वाला आ चुका है। जैसे कि हीट वेव आती है स्क्रॉच अर्थ में, वैसे ही इसमें भी हीट वेव नहीं आती, लेकिन ये पूरा आप देख सकते हो वेदर कैसे हो चुका है। ये कुछ टाइम बाद चला जाएगा, इसे ये मारता है क्या, मेरे को नहीं लगता मारेगा। मारेगा ना, वो पकड़ता है इसको। ये ले, उई उई उई, पीछे पड़ गया। हमको नहीं मारना उसको, इधर आ पेट्रो। अबे मेरे को पकड़ ली, नाइस, मार उसको भाई, पूरा मार, फिनिश कर। अबे चुराओ इसको, प्रेस प्रेस, फाइट फाइट, राइट क्लिक दबा भाई, इससे पंगे लेना थोड़ा मुश्किल पड़ गया। मर गया मैं, मर गया मैं, बच गया था। ओ अरे 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 अरे, अबे तेरा पेट्रो कहाँ पे है, लेकिन अच्छा तेरा नहीं है क्या पेट्रो, तू कहाँ पे, रुक तेरे पेट्रो को बचाता हूँ, दिख नहीं रहा तेरा पेट्रोडॉन। हाँ ये दिखा दिखा दिखा, अच्छा मार नहीं रहा वो, अच्छा बात है, वो सिर्फ तेरे को मार के भाई शांत हो गया। रुक मैं बेस पे आता हूँ तेरे पेट्रोडॉन को लेके। शुरुआत भाई किसी के बलि से होनी चाहिए, शुभ होता है, तो हमने बलि दे दिए। मेरी चढ़ा दी, ये ले तेरा पेट्रोडॉन। हर वीडियो में मेरी बलि चढ़ाने,
अच्छा वो भाई मैं लकी होता हूँ भाई, मेरे को कोई ज्यादा मारता नहीं है, मेरे को पकड़ा लेकिन मेरे को छोड़ दिया उसने, मेरे को एकदम ऊपर लेके गया था वो। चलो गाइज अभी हमारे दोस्त की पेटी लूटते हैं और फिर वो विवरीन वाली जो लोकेशन है वहाँ पे चले जाते हैं ग्रिफिन केव के पास। वहाँ पे हमारा एक दोस्त पैनी भी मेरा वेट कर रहा है क्योंकि उसको भी मजे देखने कि हम अंडा चुरा पाते हैं या फिर वहाँ पे मर जाते हैं, तो वो मजे देखने के लिए खा ले आया है। तो अभी देखते हैं उसका थोड़ा सा खाचो खाचू करेंगे हम, लेट्स सी। तो गाइज यहाँ पे जो है मेरे दोस्त को इस एरिया में जो है दिखे है व्यूरिन, ठीक है। तो मैंने और मेरे दोस्त ने यहाँ पे देख सकते हो बेड भी बनाया है, अगर इनकेस कुछ लपड़ी हुई तो हम यहीं पे रिस्पॉन्ड कर लेंगे। और यहीं पे मेरे दोस्त को एक ग्रिफिन दिखा है और मेरे को भी, अच्छा व्यूरिन सॉरी ग्रिफिन ने व्यूरिन, मैंने भी एक देखा एक अतरंगी कलर का, ये पे नीचे वो देखो देख बैठा है, देख जमीन पे दिखा और ऊपर दो इसके। अबे ये इतना अच्छा कलर का कैसा है, ये ब्लड व्यूरिन ही है क्या पक्का? चेक कर, ये मेरे को क्रिस्टल वाला लग रहा है। एम्बर्ड होगा वो, एम्बर्ड एम्बर्ड हाँ, वाइल्ड मेल नहीं, ये ब्लड वाला नहीं है, ठीक है दिख नहीं रहा भाई, ये रहा ये इधर है तो इसका अंडा हो सकता है इस साइड, लेकिन हमको ब्लड वाला चाहिए। रुको ये पीछे लग गया क्या मेरे, नहीं रुक मैं पढ़ता हूँ भाई, बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है। ट्रॉपिकल क्रिस्टल व्यूरिन है भाई, यहाँ पे कैसे आ गया? नॉर्मल अपने क्रिस्टल व्यूरिन है इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है, ब्लड वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मेरे दोस्त ने देखे हैं, ठीक है मेरे को थोड़ा सा गामा कम कर लेता हूँ। वो देख मेरे को एक ब्लड वाला है। हाँ मेरे को भी दिखा, सामने है ना तू कहाँ पे? हाँ मेरे साथ ही है, स्टैमिना उतना गया नहीं फिर भी रिकवर कर लेता हूँ भागने के। वाला निकलना चाहिए, नाम नहीं दिख रहा। नहीं ब्लडी है, ब्लडी है शायद, कि इतना रेड है तो भाई ब्लडी हो गया 100%। हाँ ठीक है मेल है, एम्बर है भाई बोला ना। ओ एम्बर का खोपड़ी देख कितना अच्छा है, फायर छोड़ता है वो शायद, खतरनाक भाई। इसका भाई आर्मर लगा है जैसे कि इसके को पे तीनों साथ लगेंगे। ओ ठीक है, ये ब्लड वाला भी है ना एक उसमें, ब्लड वाला भी है। ठीक है ठीक है, वो एक दूसरे को नहीं 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 भाई भाई है शायद, तो हमको दूर से उनका अंडा चेक करना पड़ेगा। हाँ आजा साथ में, आ साथ में ऊपर से देखते, आजा घूम के जाते थोड़ा इस तरफ से, आ उधर से नहीं इस तरफ से। धीरे धीरे यही पे, ओ नजदीकी मेरे को एक देख, आजू बाजू कोई दिख नहीं रहा, जाने की कोशिश करता हूँ पट्टे से सामने ही ना स्पॉन हो जाए। ठीक है कोई नहीं, आजू बाजू मैंने अपनी पुरानी ट्रिक रैग्नारोक की, हाँ वही यूज करूंगा मैं। अंडा भी है, उठा रहा हूँ ठीक है, उठा पहले उठा, भागो भागो, नीचे भी व्यूरिन था उसके। हाँ देख मेरे पीछे लगा क्या, देख नहीं नहीं लगा, चल मैं लग गया, ये लग गया लग गया। अबे ये तो नॉर्मल है भाई, पानी फेंकने वाला, ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा कि मेरे को लग गया। वो भाई खोल के बजा दी बे इसने भी, तेरे पीछे आएगा वो। हाँ कितना रहे बोले ये चेक कर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये मेरा पीछा छोड़ सकता है। मेरे पीछे लगा, चल जा भाग जा, लगा ना। ओके नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको डेजर्ट में लेके जाए, डेजर्ट में भी वो पानी वाला है तो डेजर्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा उसको। भाई लग गए ब्लड वाला मेरे पीछे, भाई माँ बाप दोनों पीछे लग गए भाई साहब। भाई इसकी इतनी स्पीड कैसी है? ओए भाई एम्परर की इतनी कैसी स्पीड है ब्रो? एम्परर की इतनी, मैं भाग रहा हूँ भाई, क्या इसकी स्पीड है गाइस? गाइस ये भाई ये गलत सीन है भाई, ना 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 ना, ना भी नहीं छोड़ रहा। ठीक है एक ट्रिक है, मैं इसको पेड़ों में अगर अटका दूँ तो क्या मैं वर्क करेगी ये ट्रिक? पेड़ों में अटक जा भाई, पेड़ों में अटक जा प्लीज, पेड़ों में अटक जा भाई, पेड़ों में अटक जा, पेड़ों में अटक जा। नहीं अटक रहा भाई, ये पेड़ों में भी नहीं अटक रहा, मेरे तो एल लग गए, स्टैमिना खत्म।
पैसे पे मैं पानी में जम करूँ क्या और पेट्राडोन को पैसे पे कर देता हूँ। हाँ। रुक आखिरी एक मार खाएगा मेरे हिसाब से पेट्राडोन की बलि चढ़ने वाली है। नहीं हो पाएगा भाई इसको भाई चकमा देना इजी नहीं है। एक मिनट वो वाली ट्रिक यूज कर सकता हूँ क्या मैं दूसरे डायनो पे मेरे पास है। नहीं मेरा स्टैमिना सिर्फ 5% बचा है इसको मारना भाई ये आर्गो भी नहीं हो रहा दूसरों पे। हो गया वो ट्रिक काम कर गई वो भज गया भाग जा रहा हूँ मैं इसको खत्म करके आएगा। मर रहा है क्या वो इसलिए तो गन लेकर आया मैं वो भाई जगह पे अच्छी मिली सही है तुम्हार मैं भाई बहुत दूर भाग गया हूँ उससे मैं थोड़ा यहाँ पे स्टैमिना रिकवर करूंगा गाइस और यहाँ से कल्टी मार देंगे। ब्लड क्रिस्टल विब्लिन 250 लेवल कांड है ठीक है वो एक हेल्थ काफी कम है इसमें रुक। हाँ तू वहीं पे रिस्पॉन्ड कर तेरा न्यूट्रल पे ना पेट्राडोन अरे हाँ पैसिव पे सॉरी ओके ठीक है चल मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो गाइज एक 250 लेवल का अंडा मिल चुका है गाइज 250 नाइस दूसरा एक अंडा जा रहा हूँ ढूंढने के लिए नहीं मिला तो ये एक ही से काम चलाना पड़ेगा। लेट्स गो देखता हूँ नेस्ट कहीं पे मिलते हैं कि नहीं। अंदर की तरफ ग्रिफिन है शायद व्हाट लव भाई साहब ये भाई पानी वाले ने अटैक कर दिया ठीक है मैं इसको एरगो कर रहा हूँ दूसरे पे एंड फिर कल्टी मारते ये पहले हैच करके देखते हैं शायद हमको फीमेल ही मिले क्योंकि दूसरा अंडा चुराना वो भी सिर्फ एक पेट्राडोन के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई मैं ही दिखा इसको ठीक है मैं वहीं पे रुक भाई ये कितना तेज दौड़ते हैं बे साले एरगो हो जा भाई इन पे एरगो हो जा भाई नहीं यार ये मेरे को ही मार रहा है वो भाग गया मैं कल्टी मार रहा हूँ रुक तेरे को उठा के बेस पे निकलता है गाइस अभी बेस पे है ना ठीक है मैं बेस पे आ रहा हूँ गाइस ऐसे कल्टी मारते हैं अपन ठीक है क्योंकि ज़्यादा अंडों के लालच में भाई जो मिला है वो भी ना चला जाए तो यहाँ से जाते हैं मे बी इसमें हमको फीमेल मिले होपफुली देखते हैं इसको हैच करेंगे एंड देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। 5 minutes later तो ये रहा गाइस हमारा अंडा 250 लेवल का ब्लड विवरिन का है वो भी देखते भाई अभी क्या निकलता है इसमें से अगर फीमेल निकली तो काफ़ी बढ़िया बात है अगर मेल निकला तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमको मेल नहीं चाहिए परफेक्ट बीच में भाई देखा चलो पहले अंदर वाली जलाते हैं क्या दिखा रहा है टू कॉल्ड ठीक है रुको एक साइड से अंदर घुसने के लिए थोड़ी सी जगह रखते हैं एसी नहीं है हमारे पास फिलहाल तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अंदर घुस जाता हूँ अभी मैं क्या दिखा रहा है ओ भाई एक घंटा लगेगा एक घंटे में हो जाएगा वाह भाई मैंने उठा लिया व्हाट द हेल परफेक्ट वापस अंदर ओके एक घंटे में गाइस हो जाएगा हमारा ये अंडा हैच ओह ये स्नोबॉल वॉर चल रही है ये देखो सही है गाइस तो आपसे मिलते हैं एक घंटे में तब तक इसको होने दीजिए हैच। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो सिर्फ 50 सेकंड बचे और हमारा एक जो है वो होने वाला है हैच और ये साला पंछी हमारा अंडा चुराने के लिए आया था क्या बे तो कोई इसको आग के ऊपर डालूंगा और हो जा भाई भुर्जी हो जाए इसकी कितना मिनट बचा भाई 40 सेकंड्स
अरे आग आग बुझाने के लिए तैयार रहा, आग पे चल के जाएंगे सीधा। 30 सेकेंड, बीस, तेईस, ये बुझा देता हूँ एक में, क्योंकि 20 नहीं हो रहा, देख रहा हूँ नहीं हुआ, कोल्ड हो गया, कोल्ड कोल्ड कोल्ड, हाँ वो लगा, अभी भी कोल्ड है बे, चल हो गया। 10 सेकेंड भाई, आग के ऊपर मैं अंदर वाली बुझाने के लिए रेडी रहता हूँ, रुक। 3 सेकंड बुझाओ फटाफट, बुझाओ बुझाओ, ये बाहर आ गया, ये क्लिप कर क्लिप कर, भाई भाई रुक, अबे रुक बे, किधर जा रहा है, कर दिया कर दिया कर दिया ना, क्या है फीमेल, ये मेल निकला, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड निकल गया है भाई, ये बहुत बड़ा हमारे साथ तो धोखा हुआ गाइस, क्योंकि यार इतनी मेहनत की थी, हमको उम्मीद थी कि हमको फीमेल मिले, कलर तो इसका काफ़ी बढ़िया है, नीचे से देख सकते हो पूरा लालम लाल हो चुका है, एंड क्या ही बोले, 250 लेवल का है, ठीक है, ब्लड विवरिन, स्टैट्स क्या है, ठीक ठाक ही है, 1900 फूड है, और जो सर्वर का जो लेवल है, मतलब ये बड़े होने का, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पे 7 घंटे दिखाते हैं, वरना जो नॉर्मली वो 1 घंटे के अंदर जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है। तो अभी जो है मैं सर्वर स्टार्ट करके जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, बड़े होने का लेवल है, छोटे छोटे डायनोस जो बड़े होने का कुछ लेवल होता है, वो सेटिंग में से मैं डिफ़ॉल्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ताकि ये 1 घंटे के अंदर बड़ा हो जाए। अभी 8 घंटा दिखा रहा है इसको, एंड क्या ही करें अभी भाई, थोड़ा सा हम मायूस है, क्योंकि हमको चाहिए थी फीमेल और हमारे हाथ लग गया है छुटकू सा मेल, और भाई दो भी नहीं मिले, हमको एक ही मिला, कोई नहीं, चलो रहने दो इसको यहीं पे, थोड़ा सा बड़ा होने दो इसको, इसको क्या खिलाना है पता नहीं, वैसे इसको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 1900 इसका फूड बार है, और मेरे को लगता है कि ये आराम से बड़ा हो जाएगा 1900 फूड बार में, देखते हैं हम क्या सीन है। चलो चलो मेल निकल गया भाई। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा जो 250 लेवल का बेबी विवरिन था वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, और 25% इसका म्यूटेशन हो चुका है। तो हमारा जो दोस्त है, क्योंकि हमको चाहिए थी फीमेल और हमको मिला ये मेल, तो हमारा दोस्त है प्याणी, जो है रक्तांचल गांड मार देगा क्लैन का मेंबर लीडर, सॉरी मेंबर नहीं लीडर, तो उस बेर भी हंस रहे, बेर ने भी टट्टी कर दी उसका नाम सुन के, देख इतना टट्टी नाम है तेरे क्लैन का। तो हम उसको जो है ये हमारा बेबी ब्लड विवरी ने वो दान करने वाले, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमको फीमेल चाहिए था और मेल निकला ये, तो ले ले भाई आजा क्लेम कर ले, हम इसको करेंगे अनक्लेम, कर क्लेम, ओ यस, 250 लेवल का ट्राइब ऑफ रक्तांचल। तो गाइज हमारे किसी काम का नहीं था ये, तो इसको वैसे ही फोकट में रख के, तो मेल की आर्मी नहीं बनानी है हमको, हमको एक फीमेल चाहिए थी। तो देखते इन फ्यूचर अगर वापस कभी अंडा चुराने का मूड हुआ तो अंडा चुरा के एक फीमेल विवरिन भी पकड़ लेंगे, और फिर इनका ब्रीडिंग भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हमने जो है एक विवरिन का एग चुराया एंड उसको ब्रीड भी किया, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आया, तो कोई नहीं, होता है कभी कभी कुछ पनौती लग जाती है किसी की, शायद ये हमारे ट्राइब में रक्तांचल जी मार देगा, इसी ने शायद पनौती लगाई थी, तो इसलिए फीमेल नहीं निकली, कोई नहीं, चलो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में, और गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। सो गाइस बाय बाय, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.